हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंसर्स और मैं हूं गणेश इंग्ले। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल्लड़ इन्वेस्टमेंट। अगर आप हिंदी समझते हैं तो कुल्लड़ आप अच्छी तरह से जानते हैं, और बचित मड़का जो मराठी लोग हैं वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, और जो इंग्लिश समझने वाले लोग हैं पेगी बैंक को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बाजार से एक मिट्टी का बर्तन खरीद के लाते हैं। आजकल प्लास्टिक के बर्तन भी आने लगे हैं, और जो नाम है वो है कुल्लड़। इसमें हम करते क्या है कि हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जिनके पास भी छुट्टे पैसे हैं वो उसमें हम डालते रहते हैं। और जब वो कुल्लड़ भर जाता है तो हम उसे फोड़ देते हैं। फोड़ने के बाद जो पैसे निकलते हैं उनमें हम ऐसी चीज़ें खरीद के लाते हैं जिसे हम जिंदगी में बाईपास करते आ रहे हो, जैसे कि गाड़ी का टायर, किसी की चप्पल, या फिर किसी कोने में अगर आपकी रैक टूटी है कपड़े टांगने के लिए तो वो रैक खरीद के लाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम बाईपास करते आ रहे हैं, है ना। अगर घरेलू लेडी है तो वो चूल्हा खरीद के लाएगी अपने लिए। इस तरह से कोई भी चीज़ जो है, जिसका भी वो कुल्लड़ है, वो उस तरह से हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उसे फोड़ते रहते हैं और अपना जो ज़रूरत की चीज़ें खरीदते रहते हैं। इस तरह से हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन उसमें एक जो ड्रॉबैक ये है, कुल्लड़ में हम करते क्या है कि जो पैसे होते हैं, मान ले कि हमने पैसे डाल दिए हैं 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, इस तरह से करते 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 हमारे उसमें 5,000 रुपये हो गए। बड़ा सा कुल्लड़ है और 5,000 रुपये हो गए। जब हम उसमें फोड़ेंगे तो 5,000 ही निकलेंगे। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट हम अभी इस वीडियो में बताएंगे उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। हम उस ट्रेडिशनल तरीके का ही इस्तेमाल करके, उसी के फंडामेंटल्स को इस्तेमाल करके हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली बनाएंगे और फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम उसे स्टॉक मार्केट में ले जाएंगे। अगर उसी कुल्लड़ का जो फॉर्मेट का इस्तेमाल अगर हम स्टॉक मार्केट की तरह करेंगे तो हम यकीनन, अगर मान लो आपके 5,000 रुपये 1-1 रुपये करके जमा हो रहा है और आप रोज डाल रहे उसमें पैसे, और 1 रुपया 2 रुपये इस तरह से आपके 5,000 रुपये हो गए। फोड़ के निकालेंगे तो 5,000 निकलेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर कुल्लड़ के फॉर्मेट का अगर इस्तेमाल करते हुए, इसमें से मजदूर से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन तक भी कर सकते हैं, सभी वर्गों के लिए ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट है। ये जो कंसेप्ट है ये सभी वर्गों के लिए है। इसमें क्या है, अगर हम पैसे डालेंगे इसमें कुल्लड़ में, होता क्या है कि व्यू जो होता है सिर्फ कुल्लड़ भरने तक होता है ना। हमारा जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन जो होता है इन्वेस्टमेंट का, सिर्फ कुल्लड़ भरने तक होता है। लेकिन इस फॉर्मेट में जो होता है हम अपना लॉन्ग व्यू रख सकते हैं। लॉन्ग व्यू रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग व्यू जितना अगर आप रखेंगे तो उतने ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगे। कुल्लड़ में अगर आपके 5,000 रुपये जमा हो गए तो हो सकता है आपको 50,000 रुपये मिले 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 1 लाख मिले, 1.5 लाख मिले, 2 लाख, कितना भी मिल सकता है, ठीक है। इन्फाइनेट है स्टॉक मार्केट, इन्फाइनेट है। दुनिया में जितनी भी चहल पहल होती है ना, सब स्टॉक मार्केट के ऊपर होती है। किसी चीज़ की कीमत कम हो रही है, किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है, बजट आ रहा है सरकार का, कोई चीज़ महंगी हो रही है कि कोई चीज़ सस्ती हो रही है, सब इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इम्पैक्ट उन्हीं लोगों के जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर पड़ता है, जो भी चीज़ बढ़ती है, इसलिए स्टॉक मार्केट में पैसा बढ़ता ही बढ़ता है। तो उसी ट्रेडिशनल कुल्लड़ को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली रूप दे देंगे कि जो पैसा हमें बढ़कर मिले, है ना। जो 5,000 रुपये हम सेव कर तो रहे हैं, लेकिन 5,000 की जगह हमें क्या है, बड़ा अमाउंट मिले, ताकि हम जो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं बाईपास करते हुए, जो चीज़ बाईपास करते हुए जब हम आ रहे थे, उन चीज़ों को खरीद रहे थे कि चलो भाई अभी पैसा आया है अभी इसे खरीद लेते हैं, अभी जो आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हो सकता है कोई अगर बड़ा आदमी है, या फिर हो सकता है कोई छोटा अगर गरीब आदमी है, अपनी बेटी की शादी, इवन शादी भी कर सकता है अगर व्यू लंबा है तो, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल वही है जो उसकी सुकन्या योजना जो उस केंद्र सरकार की होती है ना, तो उस तरह के कंसेप्ट हैं। लेकिन ये डायरेक्ट कंसेप्ट है ना, ये डायरेक्ट है। इसमें सारा के सारा बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये है, तो इसी को मैं थोड़ा सा चार्ट पे ले जाके या फिर बोर्ड पे ले जाके समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश कर लीजिएगा। थैंक यू। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कुल्लड़ इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है जो कि हम उस पे इस्तेमाल करके पहले तो हम समझ लेते हैं कि कुल्लड़ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली है क्या। मैंने किस लिए ये नाम दिया है कुल्लड़ इन्वेस्टमेंट। अगर कुल्लड़ इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब ये होता है कि कुल्लड़ में हम क्या करते हैं। कुल्लड़ एक्चुअली होता है एक बर्तन जैसा होता है, और ये हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। इस तरह से बर्तन होता है, और यहाँ पर उसमें कॉइन डालने के लिए होता है, और यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स या फिर नोट्स जो भी हैं, और ओवरऑल वर्ल्ड में ये प्रोसेस चलती है। ये एक टर्म है
छोटी छोटी यूनिट्स में पैसे किसी पॉट में इकट्ठे करते हैं, और उसके बाद जब ये पॉट भर जाता है, ये फुल हो जाता है जब, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे किसी चीज़ से तोड़ के सारा पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रोज़ उसमें छोटे छोटे अमाउंट्स में रुपए डालते हैं, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती, रुपए नहीं होते हैं, हम डालते रहते हैं उसमें, डालते रहते हैं उसमें। जब ये भर जाएगा पूरा के पूरा बर्तन, उसके बाद हम उसको ब्रेक करते हैं, और उसके बाद जो पैसा निकलता है, लेकिन वो पैसा कितना होता है, जितना हमने डाला उतना ही होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने इसीलिए इसका नाम कुल्लर इन्वेस्टमेंट रखा है। क्या हम इन्हीं तरीकों का, ये जो ट्रेडिशनल जो वेज हैं मनी स्टोरेज के, हम इसको थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं कुल्लर इन्वेस्टमेंट के द्वारा? क्या करेंगे हम, इस तरह के जो बर्तन में है ना, पहले डालते थे, ठीक है, मतलब यहाँ पर पहले डालते थे, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस तरह के बर्तन में ही नहीं डालेंगे। हमारे पास जैसे 1 रुपया है, 2 रुपये है, 100 रुपये है, बहुत सारे जो दुकान में, छोटे छोटे दुकान में जो पान तंबाकू बेचने वाले होते हैं, या फिर दुकान किराने की दुकान वाले होते हैं, कटलरीज की दुकान वाले होते हैं, खिलौने की दुकान वाले होते हैं, इन लोगों के लिए, इन जो छोटे जो रिटेलर्स होते हैं, इनके लिए ना बहुत ही लाभदायक तरीका हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले ज़माने में कभी आपने सहारा इंडिया नाम सुना होगा, अभी वो एब्सोल्यूट होते धीरे धीरे, मतलब क्या है कि वो क्या है, हेडलाइन से हट रहा है, बाकी कंपनी तो खैर बंद नहीं हो सकती, लेकिन वो हेडलाइन से अभी बाहर है। तो सहारा इंडिया के जो मालिक है, उनका नाम है सुब्रत राय, तो उनका यही सिस्टम था, यही उनकी थ्योरी थी, यही उनका प्लान था कि वो छोटे छोटे रिटेलर्स के पास जाते थे और उनसे पैसे इकट्ठे करते थे, 20 रुपये 30 रुपये, तो और वहाँ पे फिर वो खुद जाके मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, वहाँ से बहुत ज़्यादा रिटर्न, जैसे रिटेलर के पास गए, उनसे पैसे लिए, उसके बाद वो पैसे ले जाके वो क्या करते थे, स्टॉक मार्केट में लगाते थे, वहाँ से जो रिटर्न आते थे उन लोगों को, जो भी पहले से तय किया था उतना उनको देने के बाद में बाकी का जो वो अपने पास रखते थे, ऐसे करते करते करते, क्योंकि वो मल्टीपल थिंकिंग वाले जो इंसान होते हैं ना, तो वो लोग इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो साइकोलॉजी होती है ना, वो अलग तरीके की होती है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, जो इस तरह की साइकोलॉजी है, आप सोचते होंगे कि भाई धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा, जैसे कि कितना डेवलपमेंट कर दिया, कोई भी चीज़, टाटा ग्रुप ले लीजिए, टाटा ग्लोबल, या फिर कोई भी रिलायंस लीजिए, कि कैसे ये हो सकता है, जो वो साइकोलॉजी उनकी है आजकल नॉर्मल हो गई है, कोई भी यूज़ कर सकता है उस चीज़ को। खाली क्या है कि आपको हार्ड वर्क होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए आपके दिमाग में अंदर, प्लान ए प्लान बी, जैसे होते हैं ना मूवीज़ में होते हैं, तो मूवीज़ में भी कोई चीज़ें होती हैं जो हमारे लेने लायक होती हैं, तो उनमें से भी आप प्लान्स रख सकते हो, अपने प्लान्स बना सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो साइकोलॉजी हमारी बदल जाएगी ऑटोमेटिकली, और जो उनकी फिलॉसफी है वो हम आराम से एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने, मतलब इसीलिए वे एग्जांपल दिए, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं, जैसे हम घर से बाहर निकलते तो गणेश जी का नाम लेते हैं ना, श्री गणेश जी, क्योंकि बड़ी चीज़ या शक्तिशाली चीज़ है, उसका नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो इन्वेस्टमेंट में आते हैं, पैसे के मामले में, सोने के मामले में, तो कुबेर जी का नाम लेते हैं। तो इसी तरह से जब आप इस तरह के प्लान करते हैं, तो भाई हमें उन लोगों के नाम लेने ज़रूरी है जो लोगों ने पहले ये चीज़ें कर चुके हैं, है ना, जिनका जो रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है, जिनको एक महारत हासिल हो चुकी है, उनके नाम लेना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एग्जाम्पल में उनके नाम लेना ज़रूरी होता है। तो कुल्लर इन्वेस्टमेंट में हम क्या करेंगे, एक बार अभी कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है, हम इसमें करेंगे, पॉट में पैसे न डालते हुए अभी हम क्या करेंगे, इन पैसों को, जैसे आपके पास 100 रुपीज़ है, आपने पॉट में डाल दिए, 100 दिन के बाद निकालेंगे तो आपको 100 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन वही 100 रुपीज़ आपने स्टॉक मार्केट में लगाए हैं, और आप उसे भूल जाते हैं, कुल्लर के पैसों को हम भूल जाते हैं ना, हम वो जब तक वो नहीं भरता हम भूल जाते हैं, ठीक है, वो हमारे बिल्कुल भी जो हमारी जो इकोनॉमी है उससे बिल्कुल बाहर रहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुल्लर भर रहे हो और बड़ा सपना देख रहे हो कि मैं गाड़ी खरीदूंगा वो खरीदूंगा, ऐसा नहीं होता ना, इकोनॉमी से बिल्कुल बाहर है, सिर्फ इतनी उम्मीद रहती है कि कुल्लर अगर फूटेगा तो कोई छोटी मोटी चीज़ मैं ले सकता हूँ, है ना, यही है। लेकिन ये जो फिलॉसफी है, ये जो थिंकिंग है कि कोई भी छोटी मोटी चीज़ मैं ले सकता हूँ,
यहाँ पर वो चीज़ लागू नहीं होती है। यहाँ पर आप छोटी मोटी चीज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुल्हड़ में आप 100 रुपये तो डाल रहे हो, लेकिन जब ये वापस, जब आप कुल्हड़ फूटेगा, जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, तो ये 100 की जगह 200 भी हो सकते हैं, ये 100 की जगह 300 भी हो सकते हैं, और ये 100 की जगह बिल्कुल इनफाइनिट हो सकते हैं। इनफाइनिट कहने का मतलब ये नहीं कि कई करोड़ या कई लाख हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब जितनी उसकी इन्फिनिटी है, जितनी उसकी फ्रिक्वेंसी है ना, टेंडेंसी है, उसी हिसाब से वो बढ़ सकते हैं। तो 100 की जगह 100 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन के जो कुल्हड़ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हम छोटी मोटी चीज़ खरीदने की उम्मीद रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम कोई बड़ा प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए कुल्हड़ 1-2 महीने के लिए 2-3 महीने के लिए 6 महीने के लिए हो सकता है, लेकिन ये चीज़ जो है, ये जो डीमैट अकाउंट वाली कुल्हड़ इन्वेस्टमेंट है, ये 6 महीने के लिए नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना सहन कर सकते हो, कितना, जैसे कि आप मान लो कि अभी आपकी शादी हुई है, या अभी आपने कोई दुकान खोली है और आपने ये कुल्हड़ इन्वेस्टमेंट चालू की है स्टॉक मार्केट में, उसके बाद आपने क्या किया, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो हो सकता है बच्चे जब आपके 10वीं क्लास में चले गए हो, या फिर आप बहुत ही कोई ऐसी स्टेज में चले गए हो लाइफ के जो कि आपको अभी कुल्हड़ की ज़रूरत है, तो तब आप अपने अकाउंट को वापस से फ्लैशबैक कर सकते हो, देख सकते हो उसको, आप नज़र मार सकते हो कि अभी मुझे ये इन्वेस्टमेंट तोड़ने की ज़रूरत है। तब तक आपको नहीं तोड़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। 2010 की बात है, बजाज फाइनेंस की मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ। बजाज फाइनेंस 25-30 रुपये का शेयर 2010 में, और आज देखिए तो 5,500 के आसपास है। वहीं 25-30 रुपये, 5,500 रुपये, देखिए कितना अंतर है, 10 साल का सिर्फ पीरियड गया है। कहीं पर अगर हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें FD में 25 रुपये के सिर्फ 50 या फिर 100 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये भी आजकल नहीं मिलते, पहले मिलते थे 5 साल में डबल, अभी 7 साल या 8 साल लगते हैं डबल करने में, क्योंकि मार्केट होलेटाइल होती है, तो इसीलिए आज के ज़माने में 7 साल से ऊपर समय लगता है डबल होने में। मैं FD की बात कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी स्टॉक मार्केट में तो आप एक दिन में भी डबल कर सकते हो। मेरे कई एक वीडियोस भी अगर आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ मैंने दिया था कि एक दिन में कैसे डबल हुए थे, ऑप्शंस में एक दिन में डबल हो सकते हैं, तो स्टॉक मार्केट में भी कुछ भी हो सकता है। ये तो खैर इनफाइनाइट मार्केट है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर है ना, कोई छोटी मोटी चीज़ की जगह कोई बड़ा प्लान कर सकते हैं कि चलो भाई मैंने कुल्हड़ तोड़ दिया है तो छोटी मोटी चीज़ खरीद लेता हूँ, है ना, कपड़े खरीद लेता हूँ या कुछ मोबाइल खरीद लेता हूँ। ये चीज़ें नहीं है, अभी यहाँ से थोड़ा सा आपको इनफाइनाइट कर दिया जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से अभी आपके जो इमेजिनेशन है वो बढ़ेगी, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट जो की है उसके हिसाब से आपको रिटर्न ज़्यादा दिख रहे हैं ना, तो आपके प्लान बढ़ेंगे, भाई आपकी जो डिमांड है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, आप सोचोगे कि नहीं मैं यार मोबाइल के लायक तो पैसा नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो चलो मैं बच्चे का कोई पढ़ाई के लिए कोई और चीज़ करके रख लेता हूँ, है ना, इस तरह से होता है, या फिर कोई घर आपका बन चुका है तो एक्स्ट्रा कमरा बना लेता हूँ, या फिर कहीं कुछ और चीज़ में इन्वेस्ट करके रख देता हूँ। तो इतने सारे मतलब ये जो आइडियाज़ है ना वो बढ़ जाती है आपकी यहाँ से। कहने का मतलब सीधा साफ तौर पर मैं अभी बता देता हूँ, जो ट्रेडिशनल कुल्हड़ है ना, ट्रेडिशनल कुल्हड़ में आपने जितने डाले उतने ही पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलेंगे और वहाँ पर उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पहले डफ बजा के आवाज़ निकालते थे, आजकल वही डफ बजाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मोबाइल में ही डफ की साउंड रिकॉर्डेड हो चुकी है, आप उसमें बटन दबाइए बिल्कुल डफ की आवाज़ आ जाएगी, है ना, ढोलक की आवाज़ आ जाएगी, बांसुरी की आवाज़ आ जाएगी, बांसुरी बजाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, वहीं आ जाएगी आवाज़। तो वो चीज़ें हैं ना, ट्रेडिशनल चीज़ों को ही एडवांस करके डेवलप करके आगे चीज़ें बनी हैं, तो वही है भाई, तो हमें भी तो वही चीज़ करना है अभी, तो हम भी क्यों परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करते हो अभी भी उसी स्टेज में रहे, हम भी जो कुल्हड़ है उसमें से जो एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं उसमें जो एक्सट्रैक्ट करने वाली हैं, उसी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब उसको डीमैट फॉर्म में डालेंगे, है ना, डीमटेरियलाइज करेंगे उस मिट्टी के बर्तन को, हम डीमटेरियलाइज करेंगे यानी कि डीमैट फॉर्म में डालेंगे, यानी कि स्टॉक मार्केट में सीधा सीधा मतलब है अकाउंट ओपन करेंगे। आप दुकान चलाते हो, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हो, आप कार रिपेयर करते हो, आप मोटरसाइकिल रिपेयर करते हो, आप कॉलेज के सामने, स्कूल के सामने, किसी मार्केट में, चौराहे पे कहीं पर आप कोई चीज़, जैसे कि आप मटेरियल, कोई भी मटेरियल बेचते हो, है ना, आपकी पानी पूरी की रैली है,
आप कपड़े बेचते हो, आप मोबाइल बेचते हो, कोई भी चीज़, आप छोटे मोटे रिटेलर से लेकर बड़े बड़े जो होलसेलर हैं वहां तक मैं बता रहा हूँ रेंज, आप कोई भी हो, आप ये जो कुल्हड़ इन्वेस्टमेंट का तरीका बिल्कुल भी अपना सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना होता है, डीमटेरियलाइज यानी कि आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। डीमैट अकाउंट यानी कि स्टॉक मार्केट में एक आजकल बहुत ही नॉर्मल सा हो गया है। आज सिम लेना बहुत, पहले जैसे होता था ना कि भाई सिम लेना बहुत मुश्किल है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आधार कार्ड, वो सब है ना, तो आजकल वो भी बहुत इतना सिंपल हो गया है। तो जैसे हम सिम लेते हैं ना, सिम कार्ड, नया सिम कार्ड लेते ना, उतना ही आसान हो गया डीमैट अकाउंट ओपन करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप सेविंग अकाउंट बैंक में ऑनलाइन ओपन कर सकते हो, ऑनलाइन ओपन कर सकते हो, कोई हर चीज़ हम ऑनलाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से डीमैट अकाउंट पहले जो था, जो मैंने खोला था डीमैट अकाउंट, तो बहुत ही दिक्कतें हुई थी, कई साल तो खुला ही नहीं था मेरा, ठीक है। तो बहुत डिमांड थी वहाँ पर, उस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी कि ये नहीं है आपका, वो नहीं है। लेकिन आजकल डीमैट अकाउंट कोई भी नॉर्मल आदमी जो ऑनलाइन बैंकिंग कर रहा है वो कर सकता है। उसके लिए आपको एक चेक चाहिए होता है, कैंसिल चेक, उसके बाद आपके किसी कागज़ पे साइन करके उसका फ़ोटो मोबाइल में खींच के रखना होता है, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें होती है, बैंक अकाउंट में जो नंबर है आधार कार्ड के साथ जो नंबर कनेक्टेड है मोबाइल नंबर, वो चाहिए होता है। और ऑनलाइन बैंकिंग जैसे पेटीएम, गूगल पे और ये सब हम फोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो वो सिस्टम होना चाहिए, वो भी आजकल सब में होता है। क्योंकि हम जो डीमैट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, फंड ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्योंकि शेयर खरीदना है ना आपको, कुल्हड़ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास 100 रुपये ज़्यादा आ गए, बैंक अकाउंट से 100 रुपये सीधा ट्रांसफ़र कर दीजिए डीमैट अकाउंट में, उसके बाद उसके शेयर खरीद के रख लीजिए, उसको भूल जाइए, क्योंकि कुल्हड़ इन्वेस्टमेंट है वो है ही भूलने के लिए। उसके बाद 10 साल में, 5 साल के बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, लड़की है तो लड़की बड़ी हो जाएगी, हो सकता है कि कोई अगर ये बात अगर सुन के अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके, हो सकता है कोई गरीब आदमी भी अपनी बच्ची की शादी जो है वो इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर सकता है। ओके, अगर आपका कलेजा उतना है तो इसमें सहनशीलता होनी चाहिए, उसमें कलेजा उतना होना चाहिए। मार्केट नीचे जा रही है तो डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म वाले हैं, मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन अप ही रहती है। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बताया कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर ही रहती है, मार्केट कभी नीचे की तरफ नहीं जाती। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है डूबने के लिए अपना सामान नहीं बेचती है। कोई भी कंपनी चाहती है कि मैं 100 करोड़ रुपए के लगा के कोई कंपनी खोला हूं तो 100 करोड़ के 200 करोड़ मेरे हो जाए। कोई ऐसा नहीं होता है कि मैं 100 करोड़ लगा के कंपनी को खड़ा करता हूं और मैं 5 साल के बाद 2 करोड़ में इसको बेचूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ बढ़ने के लिए होती है और हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है अप, तो इसलिए स्टॉक मार्केट का भी जो ग्राफ होता है वो ऊपर की तरफ ही होता है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। तो ख़ास तौर पर मैंने समझाने की कोशिश तो की है, अगर फिर भी किसी को डाउट अगर है तो आप मुझे कर सकते हैं कांटेक्ट, कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप में भी हमारे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी कांटेक्ट बहुत सारे मिलेंगे, तो आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर नहीं समझ में आ गया तो। वैसे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कुल्हड़ इन्वेस्टमेंट है, पहले मिट्टी के बर्तन में हम पैसे डाल के करते थे, अभी हम उसी को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, डीमटेरियलाइज फॉर्म में करेंगे, स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलते हुए करेंगे, ठीक है। तो हम वही पैसे का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे जीवन में बिल्कुल भी काम के नहीं है, बिल्कुल भी। पैसा तो खैर एक पैसा भी काम का होता है, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई ये पैसा मैंने अगर 200 रुपये 1000 रुपये मैंने इसमें डाल दिए तो अगर मुझे 10 दिन के बाद ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बिल्कुल भी ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि वो मैंने वहाँ पर डाले हैं 1000 रुपये उसे मैं निकाल लूँ। अगर ऐसा अगर आपके दिमाग में है तो फिर इन्वेस्टमेंट फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपने 1000 रुपये कहीं डाल दिए तो ये समझ लीजिए कि वो 10 साल के लिए खो दिए आपने पैसे, ठीक है, बिल्कुल भी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें होती हैं। हम कभी कपड़े खरीदते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं अपने लिए, उसके बाद कभी ये थोड़ी सोचते हैं कि 2 महीने के बाद मैं कपड़े का इस्तेमाल कर लेता हूँ, 2 महीने के बाद मैं उसको वापस में आधी कीमत में बेच के उसी में और आधे पैसे डाल के नए कपड़े खरीदता हूँ, ऐसा नहीं करते ना हम लोग। हम लोग एक बार सोचते हैं कि 2000 रुपये के कपड़े ले लिए, बस जब ये फटेंगे तो मेरे पैसे गए तब तक, ऐसा ही सोचते हैं ना। तो वही इन्वेस्टमेंट ये है। आपने ये समझ लीजिए कि कोई खाने के लिए चीज़ खरीद ली है, अब आपने उसे खा लिया है और सुबह हो गई है, अब वो आपकी बिल्कुल भी काम की नहीं है। लेकिन ऐसा सिर्फ सोच है ये, लेकिन 10 साल के बाद आपको वापस अगर देखोगे तो वही चीज़ कई मल्टीपल तरीके से बढ़ चुकी होगी आपके उस कुल्हड़ में। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर अकाउंट आपने नहीं खोला है तो बहुत सारे लोग होंगे अभी तक उन्होंने अकाउंट नहीं खोला है, क्योंकि अभी तक लोगों में ये जागरूक भावना नहीं थी कि स्टॉक मार्केट में लोगों के पैसे डूबते हैं, यही सिर्फ धारणा लेके चलते थे। लेकिन इस तरह की अगर आप कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट डूबने के लिए सिर्फ नहीं होती है, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी संवार दी इसमें घुस के,
तो हम भी ऐसा करेंगे क्योंकि हमारे जो व्यू हैं वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए हैं, इसलिए आराम से हम उस कंसेप्ट तक, उस ऊंचाई तक जा सकते हैं जो हम अभी सोच रहे हैं इस वीडियो के दौरान। तो अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद जो गाइडेंस है किस तरह से आगे जाना है, किस तरह से आपको कुल्हड़ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, एक बार अकाउंट सिर्फ खोलना है आपने, उसके बाद हम करेंगे। अकाउंट खोलने के लिए आपको 300 रुपये लगते हैं अगर आप इक्विटी और कमोडिटी दोनों में खोलना चाहते हैं तो। अगर आप सिर्फ इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 200 रुपये आपको लगेंगे अकाउंट खोलने के लिए, और 200 रुपये में आप अकाउंट खोल दीजिए। उसके बाद में आपके पैसे, आपका कुल्हड़, बाकी हर चीज़ आपके पास ही रहेगी। जैसे कि हम ये समझ लीजिए कि जंगल जो होता है ना, जंगल का किसी को रास्ता पता नहीं होता है, तो थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे जंगल का रास्ता पता है। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपको जैसे आप मेरे पास आए जंगल की बॉर्डर के पास, और आप आए और मेरे को आपने रास्ता पूछा, मैं आपको बिल्कुल ग्राफ करके बताऊंगा कि ये रास्ता है, इस रास्ते से आप अंदर जा सकते हैं, इधर जाएंगे तो शेर है, उधर जाएंगे तो हाथी है, और कौन सा रास्ता जंगल में सेफ है वहाँ पर जाइए और अपना घूम के वापस से सेफ बाहर निकल, इस तरीके से आप आ सकते हैं। ये है मेरा काम बताना, क्योंकि आज मैं ये वीडियो बना रहा, हो सकता है 5 साल के बाद मैं ना आऊँ, कहीं पर भी ना मिलूँ, आप मुझे ढूंढोगे, 2 साल के बाद भी ना मिलूँ, है ना। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही गाइड कर दूंगा कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे आप करेंगे तो सेफ रहेंगे। तो अकाउंट खोलने के बाद वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि फ्यूचर में आपने आगे करना क्या है। उसके बाद आप जब इस किसी भी अगर मेले में चले जाओगे ना, नए नए मेले में, तो एक ही बार आप पूछोगे कि झूला कहाँ पर है। उसके बाद आप मेले के किसी भी कोने में जाओगे ना, तो आप, क्योंकि मेले में आदमी घूमता है और मेले में आपको पता लगती है हर चीज़ जब आप घूमते हो, तो उसके बाद आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होती किसी को कि भाई खिलौने की दुकान कहाँ पर है, या फिर झूले की दुकान, झूले का जो वो है कहाँ पर है, या आइसक्रीम की दुकान कहाँ पर है ना। एक बार आप घुसोगे किसी भी नई चीज़ में तो आपको ऑटोमेटिकली वो पता लग जाता है, फिर आपको ना मेरी ज़रूरत है और ना कि मेरे इसी तरह किसी और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आप खोल सकते हो। बाकी अगर आपको ये आइडिया अच्छी लगती हैं तो आप इस आइडिया को दूसरे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। इवन मैं आपको एक बताता हूँ, एक मज़दूर जो दूसरे के खेतों में काम कर रहे हैं वो लोग भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये चीज़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोबाइल कोई देख रहा है और कोई स्कूल में पढ़ रहा है, या फिर कोई किसी का बिजनेस है छोटा मोटा वही कर सकता है, या किसी की नौकरी है वही कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है, मैं तो बोलता हूँ भाई, सबसे पहले मजदूर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, मजदूर मजदूर भी कर सकता है, ठीक है, किसान भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, विद्यार्थी भी कर सकता है। उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट को कोई छोटा मोटा रिटेलर, मतलब पता है ना, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर कोई किसी की गाड़ी चला रहा है, कोई छोटी मोटी दुकान लगा के रोड पे कोई सामान बेच रहा है, कोई किसी का मेडिकल है, किसी की होटल है, किसी का मान लो कि पानी पूरी की दुकान है, कोई सब्जी की दुकान में, हर वो आदमी इस इन्वेस्टमेंट को कर सकता है। एक नया कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता है मार्केट में या किसी भी मीडिया में ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताया होगा, आई थिंक, क्योंकि मैं बहुत ही दिनों से मीडिया से टच हूँ तो मैंने तो ऐसी चीज़ नहीं पढ़ी है कभी। तो देखिए, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हर चीज़ के लिए, हर उस वर्ग के लिए है समाज के, जो कि काम कर रहा हो ना कर रहा हो, क्योंकि छोटी मोटी अमाउंट तो सबके पास ही रहती है। अगर उसी चीज़ को आप एक रेगुलराइज करेंगे कि कभी कभी पैसा आया तो कुल्हड़ में डाल दिया, अगर इस चीज़ को आप एक कंसेप्ट बनाएंगे कि हफ्ते में मुझे क्या करना है कि 200 रुपये बचाने ही बचाने हैं कुल्हड़ में डालने के लिए, 200 रुपये बहुत मामूली सी चीज़ है 200 रुपये आजकल ना, तो वहीं 200 रुपये आपको हो सकता है 10 साल के बाद 2000 हो, 3000 हो सकता है, ठीक है, 1000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे ज़्यादा ज़रूर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कोई चीज़ अगर धरती में है तो वो बढ़ने के लिए होती है, वो कटने के लिए नहीं होती है, उसकी एक लेवल होती है, उसकी एक साइकिल होती है, वो उसी साइकिल में अपनी ग्रोथ जारी रखती है। तो समाज में हर वर्ग के लिए इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है आप कोई भी इसमें कर सकते हो। मैंने बहुत कोशिश की है इस वीडियो के द्वारा समझाने की, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आपके मित्रों में शेयर कर लीजिए, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो बहुत ज़्यादा शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में आलतू फालतू चीज़ों के अलावा सिर्फ यही चीज़ें होती हैं जो कि आपके लाइफ में काम आ सकती हो।
तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।